दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 11 का टाइम हो रहा है। आज मुझे जाना है बैंक, मुझे KYC करवानी है, इसलिए वहाँ टाइम लग जाएगा। तो शायद मैं आज कोई रेसिपी आपके साथ शेयर ना कर सकूं। और बैंक से आने के बाद फिर मुझे अपने बेटे का एक्सरे कराने जाना है। फिर एक्सरे करा कहेंगे, फिर शाम को वापस उसे उसकी ये जो बैंडेज बनी थी डॉक्टर चेक करेंगे, दोबारा वहाँ ले ले जाना है। देखिए, बैंक में टाइम लग जाता है, 11 बज रहे हैं वैसे भी। नाश्ता कराने में, बच्चे को काम करने में टाइम लग गया। अब चलिए देखें, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए दोस्तों, 2 बज चुके हैं, लाइन इतनी लंबी लग रही है बैंकों में KYC के लिए भी। 11 बजे आए थे हम, 2 बज चुके हैं। अब घर जाएंगे, बच्चों को भी खाने के लिए लेट हो गया। रास्ते में ही देखते हैं बच्चों के लिए कुछ लेके जाएं, क्योंकि अब बनाने का टाइम तो है नहीं। तो अब घर जाते ही फिर उसको एक्सरे के लिए लेके जाना है लड़के को। एक्सरे करा के फिर शाम को उसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल। डॉक्टर चेक करेगा एक्सरे देखकर। ये मैं दिखाती हूँ बाहर का, यहाँ पे जहाँ हम आए हैं। जा रहे हैं अंदर। फिर भी आधा काम रह गया, कह रहे हैं मंडप को आना पड़ेगा। चलिए देखिए, हमारी बाइक खड़ी हुई है, अब घर चलते हैं। पहले रास्ते में से बच्चों के लिए कुछ खाना ले लेंगे, 2 बज चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बच्चों के लिए हम छोले भटूरे लेना, और मेरे बड़े बेटे ने चीज़ पास्ता मांगा था, उसके लिए चीज़ पास्ता, और ये लस्सी भी मिलती है यहाँ पे। 4 हमने लस्सी भी ली है। देखिए मेरे हस्बैंड पैक करा रहे हैं छोले भटूरे और लस्सी। वाइट सॉस पास्ता हमने ले लिया है, घर जाकर दिखाएंगे आपको सब। देखिए दोस्तों, यहाँ छोटा सा कितना अच्छा मंदिर है। ये शनिदेव जी का मंदिर है। हम लोग सोचा हमारा खाना पैक हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लें। देखिए कितनी अच्छी, कितना छोटा ये मंदिर में ही केले का पेड़ लगा हुआ है। चलिए घर जाके देखते हैं। पंडित जी बैठे हुए हैं, देखिए। चलिए हमारा खाना पैक हो गया, घर चलते हैं, घर जाके दिखाते हैं आपको। मेरे दोस्तों, हम घर आ चुके हैं, और गर्मी इतनी लग रही थी आते ही सबसे पहले हमने कपड़े बदल लिए। और देखिए खाना जो लेके आए थे आप, ये मेरे बड़े बेटे को उसने घर से ही बोल के बोला था, अगर लेट हूँ तो मेरे लिए चीज पास्ता लेके आना, व्हाइट सॉस पास्ता, और छोले भटूरे हैं, और ये लस्सी है। अब हम खा लेते हैं, आप टेस्ट करके। ये देखिए सब
उठ गया ना, साइड में सब ये खड़े हो गए, इनको शर्म लग रही है। उनको भूख लग रही थी, बैंक में इतनी लंबी लाइन थी, वो तो बाहर जाके खाना खा के आ गए थे वहीं में, तो हम बच्चों के लिए लेके आए थे और मैंने भी नहीं खाया था, बच्चों के साथ खाऊंगी खाना। खाना खा के फिर बड़े बेटों को एक्सरे के लिए लेके जाना है हॉस्पिटल, एक्सरे करा के आएंगे फिर शाम को लेके जाना है दोबारा, चलिए जब वो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गोल्डी पास्ता कैसा था? सही लगा। लस्सी, छोले भटूरे, चेक। चलिए खाना खा चुके हैं बच्चे भी और हमने भी खा लिया है, अब इसको लेके जाएंगे थोड़ी देर बाद एक्सरे के लिए, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए आ गए हम एक्सरे कराने के लिए, चलो बंदा जाना है एक्सरे कराने के लिए, फिर एक्सरे लेके डॉक्टर के पास जाएंगे। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये है करुणा हॉस्पिटल। अब आ गए हैं हॉस्पिटल में, चलते हैं अंदर। और कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। पहले से बेटर है सर? हाँ जी पहले से बेटर है, बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। ये वाली गोली देनी है अभी इसको, ऑक्सीबॉन सीआर 200 मिलीग्राम की, एक सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है, 10 दिन के लिए। जो पहले ली थी वही है? नहीं अलग है, वो सुबह शाम थी, अभी दिन में एक लगती है, ठीक है। ये विटामिन डी के कैप्सूल अभी पड़े होंगे, ठीक है, ये जब खत्म हो जाएंगे फिर अगली बार और लिख देंगे। और ये कोबिल्ट भी पड़ी होगी, ये दोनों पड़ी होगी, बस ये दोनों जैसे ले रहा है चालू रखो, ये बंद कर दो, इसकी जगह ये वाली गोली ले लो और ये पट्टी चालू रखो, टाइट कर दीजिएगा कल सुबह, ठीक है, सिलाई मार के। बाकी एक हफ्ते के बाद यही एक्सरे करवा के दिखाना है, ठीक है, ठीक है, बस एक हफ्ता और जैसे वैसे निकाल ले बेटा, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ी सी लिबर्टी दे देंगे, खोल के नहा दो पाओगे अगर पोजीशन ठीक है, मतलब फिर थोड़ा सा, हाँ 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 जैसे आपने बताया था वैसे मिला, ठीक है, फिर थोड़ी सी लिबर्टी और ले 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 सकते हैं अगर जुड़ना चालू हो गया, ठीक है। और बताइए अब नेक्स्ट वीक आए सर? हाँ जी, दवाई ले रहे हैं स्टोर से और डॉक्टर ने कहा है ठीक है, अभी एक एक्सरे अगले हफ्ते और होगा, वैसे हड्डी पहले से बेहतर है। अभी दो तीन दो या एक डेढ़ हफ्ते में ठीक हो जाएगा हाथ। जस्ट जाली रखनी गई है, चेन नहीं होती तो जस्ट जाली मिलती है। मार्केट में लिखा है ना सुबह खाना दोपहर खाना, ले लो फटाफट, तो वो दे रहे हैं ना उनको, दिन में एक बार। ये दवाई है, एक दवाई चेंज करी है डॉक्टर ने, बदल के दे दिए। ये देख पूछ ले तेरा दवाई, डबरा दो जब खाओ, एक गोली
चाय मिल चुकी है स्टोर से, कॉफी भी मिल गई, लाओ टॉफी मुझे दे दो, खाएगा। चलिए अब घर चलते हैं, बाइक लिया, आ जाओ इधर जाओ, चलो 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 चल, बोल रोक दी मैंने, चल अब घर चलते हैं। देखिए दोस्तों हॉस्पिटल से आ गए हैं, 8 बज गए आज तो, डॉक्टर ही लेट आया एक तो, फिर तीसरा चौथा हमारा नंबर था, 8 बज चुके हैं। देखिए दुकान में अच्छा उनका बेटा ही सुबह से बैठा हुआ था, सुबह में दुकान खोलते 11 बजे ही दुकान से उठ गई थी, आज पूरा दिन ऐसे चला गया। चलिए कल मिलेंगे, बाय।